हेलो दोस्तों, मेरा नाम है काफ़ी और आप देख रहे हो टेक्निकल काफ़ी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको वाइंडिंग करके दिखाने वाले हैं एक एपी टेबल फैन का फुल रिवाइंडिंग, जो कि होगी 2 स्पीड में और फुल कॉपर वाइंडिंग होगी। पूरे डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेगी, A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी, किस तरह से आप इसे 2 स्पीड बनाओगे और कॉयल का ट्रांस वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगी। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते हैं ना। देखिए, ये जो टेबल पंखा है, एपी पंखा है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। ये थोड़ा सा महंगा वाला जो होती है ना वो है। इसका बॉडी थोड़ा सा स्ट्रांग वाला है। देखिए, हाउसिंग देख सकते हो आप, ये अलग टाइप का है। वो सस्ता वाला एपी फैन ये नहीं है। तो ये कॉपर में वाइंडिंग होती है और देख सकते हो इसके स्लॉट कुछ इस तरह से है। और इसके जो स्लॉट की क्वान्टिटी है, अगर काउंट करेंगे तो ये 16 स्लॉट के है। जो बाकी होती है वो 24 स्लॉट की होती है, लेकिन ये 16 स्लॉट की होती है। इसका जो ओडी है वो 9 सेंटीमीटर के आसपास है। और इसकी जो आईडी यानी इनर डायमीटर अंदर का हिस्सा बोर्ड तक के बाद 4.5 सेंटीमीटर है। और इसकी जो स्टैंपिंग साइज है यानी कोर की चौड़ाई वो 23 mm है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिला लेना है, उसके बाद इस डाटा को इस्तेमाल करना है। इसका जो पिच रहेगी, कॉयल पिच स्टार्टिंग और रनिंग कॉयल का सेम ही रहेगी, 1 से 6 में 1 राउंड, 1 से 8 में 1 राउंड, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हो, हमने यहाँ पर इसका कॉयल बना लिया है। तो कॉयल का जो साइज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कॉयल का गोलाई साइज रहेगी आपकी 19 इंच, और ये वाला इसका इनर लीड है एक, और यहाँ पे एक इसका इनर लीड है। दो कॉइल का 2 लीड है, हमने बिना कटे है देखिए एक साथ 2 लीड कॉइल बनाया है। आउटर से आउटर कनेक्टेड है ये। और इस कॉइल का जो ट्रांस है, हमने यहाँ पे ट्रान लगाया है 415 ट्रान, और SWG जो होगी आपकी 34 नंबर का वायर आपको लेना है। इसका जो वेट रहेगी वो 160 ग्राम के आसपास आपको लेना है रनिंग कॉइल में इसका वायर। चले, सबसे पहले हम रनिंग कॉइल ही इसको वाइंडिंग करके आपको दिखाते हैं। तो कॉइल को कुछ इस तरह से हम अंदर में लेंगे और बहुत ही आसानी से इसको आप वाइंडिंग कर सकते हो, बहुत ही कम टाइम में वाइंडिंग हो जाती है। और वायर को आपको स्लॉट के अंदर लेना है इस तरह से, देखिए। और इसके ऊपर एक PVC इंसुलेशन पेपर लगा देना है ताकि वायर आपकी बाहर ना आए। इसको यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 नंबर स्लॉट में आपकी आ जाएगी। कॉइल पिच रहेगी 1 से 6 में 1 राउंड और 1 से 8 में 1 राउंड, ठीक है। इस तरह से आपको डाल देना है, फिर इसको अभी लॉक कर देना है। कॉइल को कुछ इस तरह से हम खींच लेंगे। इस तरह से आपको सेप बनाना है यू टाइप में, ताकि स्टार्टिंग गली बैठ सके। इसका इनर लीड है, राइट हैंड साइड हमने छोड़ा है, और ये लेफ्ट हैंड साइड इसका आउटर वायर है। अब दूसरा कॉइल डालेंगे हम 1 से 8 नंबर स्लॉट में, बिल्कुल बाजू में। कॉइल को आप क्लॉक वाइज घुमा लीजिए या फिर एंटी क्लॉक वाइज घुमा के आप इसे डाल सकते हो। इस तरह से भाज को करके आप इसे डाल देना है। तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही कम टाइम में कॉइल बना सकते हो। और आप देखेंगे बाकी जो सस्ता वाला एपी फैन होती है वो 24 स्लॉट की होती है, लेकिन ये वाला दोस्तों थोड़ा सा हेवी क्वालिटी का है, 16 स्लॉट का है और ये 2 स्पीड में आती है। तो हो गया रनिंग कॉइल का हमारा एक कॉइल कंप्लीट। अब दूसरा कॉइल डाल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से हमने कर दिया। कॉइल का साइज़ भी बहुत अच्छे से निकल के आई है, एकदम बराबर। अब इसको हम इस तरह से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद हमें दूसरा कॉइल डालना है, ठीक है। चलिए हम डाल देते हैं। ये हमने दूसरा कॉइल ले लिया है, एक स्लॉट ऊपर के छोड़ के दूसरे स्लॉट में आएंगे, इसमें डाल देंगे, ताकि ये जब 1 से 8 स्लॉट में आएंगे तो ऊपर स्लॉट में आपकी दूसरी भांज की कॉइल जाएगी। वीडियो में दोस्तों कोई भी आपको दिक्कत होती है, कोई भी कुछ समझने में परेशानी होती है, तो आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं आपको हेल्प करूँगा ज़रूर। यहाँ पर देखिए, इस कॉइल को हमने डाल दिया। इसका भी हम राइट हैंड साइड इनर लीड छोड़ा है, देख सकते हो आप, और आपको लेफ्ट हैंड साइड इसका आउटर वर्सन है। दोनों कॉइल का ही आपका इनर लीड आपके जो है राइट हैंड साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड आउटर वायर होगी। और ये वाला देख सकते हो सीरीज वायर इसका दोस्तों, वो आउटर से आउटर वायर दोस्तों कनेक्ट होगी, यानी बड़ी कॉइल से बड़ी कॉइल आपका सीरीज वायर कनेक्शन रहेगी। चलिए, आप दूसरा साइड भी हम डाल देते हैं। ये डाल दिया। कॉइल डालने के प्रोसेस दोस्तों स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल में एक ही होगी, सेम। तो हमने रनिंग कॉइल डाल के कॉम्प्लीट कर दिया है, आप देख सकते हो, है ना। ये भी एक लीड देखिए राइट हैंड साइड इसका, और इस सेट का भी राइट हैंड साइड ये लीड आ गया। तो दोनों ही लीड आपको राइट हैंड साइड छोड़ना है, और आउटर से आउटर आपका सीरीज वायर रहेगी दूसरी एक से दूसरे कॉइल में, यानी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड कर देना है। उसके बाद रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे हम यांठा वाला टेप लगाएंगे। ये आपको इलेक्ट्रिक शॉप में ही मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे खरीद लेना। ये जो टेप है, इसको जो बोलता है ना, इसका नेम है
सेल्फ एडहेसिव टेप, ये आपको वो इलेक्ट्रिक शॉप में मिल जाएगी जहाँ पे वायर लेंगे, या फिर चाहो तो आप लास्ट में बीच में कोई पेपर वगैरह भी डाल सकते। अब स्टार्टिंग कॉइल हम डालेंगे, तो स्टार्टिंग कॉइल का साइज़ रहेगी, देखिए 17.5 इंच गोलाई में आपको स्टार्टिंग कॉइल का साइज़ बना लेना है। अब कॉइल देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इसका इनर लीड हो गया, ठीक है। इसमें हमने टर्न दिया है दोस्तों 445 टर्न दिया के कंप्लीट कर दिया, फिर ये वाला यहाँ से ख़त्म हुआ, फिर आउटर ये वाला आएगा, फिर हमने 250 टर्न देके ये वाला लीड निकल रहा स्टार्ट रेजिस्टेंस कॉइल के लिए 250 टर्न देके, उसके बाद फिर से 200 टर्न दिया हमने, ठीक है। इसको लीड को छोड़ने के बाद 200 टर्न फिर से दिया, फिर हमारा जो है लास्ट में ये वाला इनर लीड निकल गया, ठीक है। इस तरह से आपको कॉइल बना लेना है रेजिस्टेंस कॉइल, 250 टर्न पर एक आपको लूप छोड़ देना है। अब देखिए हमने स्टार्टिंग कॉइल डालना है, तो कॉइल पिच सेम रहेगी, वाइंडिंग प्रोसेस भी सेम रहेगी, तो हम यार वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देंगे क्योंकि वाइंडिंग प्रोसेस सेम है। इस तरह से आपको देखा रनिंग कॉइल, उस तरह से ही वाइंडिंग कर लेना है, ठीक है। 1 से 6 और 1 से 8 में वाइंडिंग होगी, देख सकते हो हमने स्टार्टिंग कॉइल भी डाल के कम्प्लीट कर दिया है, उसको सिलाई भी कर दिया है। अब इसका लीड भी ज्वाइन करना है, तो लीड भी हम ज्वाइन कर लेते हैं, देखिए इसका जो लीड वाला है हिस्सा हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब बाकी आपको डायग्राम में आपको दिखाएंगे कि इस तरह से इसको कनेक्शन करना है। तो देखिए हम लीड वगैरह यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसका पूरा जॉइंट प्रोसेस क्या है, किस तरह से लूप कहाँ पे निकला जॉइंट, वो आपको हम डायग्राम में दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने इसको वार्निश भी कर दिया ताकि धूप में अच्छे से सूख जाए, उसके बाद इसे फिटिंग करेंगे। चलिए इसको फिटिंग कर लेते हैं, देखिए हमने यहाँ पर फिटिंग कर दिया है, देख सकते हो इस तरह से आपको फिटिंग कर लेना है, कोई भी जाम नहीं होना चाहिए। ये हमारा लूप यहाँ पे निकल गया 5 वायर, इसको हमने कनेक्शन कर दिया। देखिए ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल का लूप है एक, इसको हम डायरेक्ट कैपेसिटर पे लगा दिया, और ये जो व्हाइट वाला है दोस्तों, और एक कैपेसिटर का वायर, उसको साथ हमने ये व्हाइट कलर का वायर लगा दी जो कि हमारा लाइन पर जाएगी, रनिंग कॉइल का लीड है ये। और ये जो येलो वाला देख सकते हो आप, ये कॉमन वायर है यानी न्यूट्रल वायर, एक स्टार्टिंग और रनिंग का शॉर्ट करके हमने निकाला है। और ये ग्रीन और ब्लू, ये दोस्तों जो हमने रेजिस्टेंस कॉइल के लिए लूप छोड़ा था 250 रन पे, वहाँ से ज्वाइन करके दोनों को एक साथ ही ज्वाइन करके निकाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रेगुलेटर है, तो जो व्हाइट वाला है यानी जो रनिंग कॉइल और कैपेसिटर के साथ आती है, उसके साथ हमने एक मेन सप्लाई लगा दी लाइन, और दूसरी जो मेन पावर सप्लाई है न्यूट्रल, हाँ जो रेड वाला है वो यहाँ पे रेगुलेटर कॉमन पॉइंट पर रहेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो जो येलो वाला वायर है, ये एक कॉमन वायर है रनिंग और स्टार्टिंग शॉर्ट करके जो आया था, वो हाई स्पीड पॉइंट होगी 1 नंबर में। और ग्रीन और ब्लू, ये जो रेजिस्टेंस कॉइल पे लूप छोड़ा था हमने 250 रन पे, वहाँ से जाके दोनों ही निकल के आया। ये इसका डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 स्पीड AP फैन का कनेक्शन है, जिससे कि मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। देखिए ये जो ये वाला कॉइल आप देख रहे हो, ये वाला और ये वाला, ये दोनों है रनिंग कॉइल, और ये वाला और ये वाला स्टार्टिंग कॉइल। तो देखिए कनेक्शन किस तरह से करना है, एक एक कॉइल का हमारा दो दो लीड होती है। सबसे पहले देखिए ये रनिंग कॉइल का, ये वाला एक लेफ्ट हैंड साइड लीड होती है और यहाँ पे राइट हैंड साइड एक लीड होती है। सेम इसी तरह देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड एक लीड है और राइट हैंड साइड इसका एक लीड निकल जाएगी। हमें सबसे पहले क्या करना है, राइट हैंड टू राइट हैंड इसका सीरीज वायर कनेक्शन कर देना है, ठीक है। अगर आप सिंगल सिंगल कॉइल बनाते हो तो आपको इस तरह से कनेक्शन करना है, अगर एक साथ कॉइल बनाते हो तो कनेक्शन नहीं आएगी, मतलब ज्वाइंट नहीं आएगी। सेम उस तरह से स्टार्टिंग कॉइल का राइट हैंड टू राइट हैंड यानी आउटर से आउटर इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगा सीरीज वायर सबसे पहले। उसके बाद देखिए सबसे पहले कॉमन वायर बनाना है कैसे, तो आपको स्टार्टिंग कॉइल का लेफ्ट हैंड साइड वाले जो ये वाला कॉइल है, इसमें रेजिस्टेंस कॉइल है आप देख सकते हो, इसका लेफ्ट हैंड वाला लीड लेना है, और जो रनिंग कॉइल है इसका एक लेफ्ट हैंड साइड वाला लीड लेना है। फिर दोनों को एक साथ ज्वाइन करके आपको कॉमन बना देना है, ये हो जाएगी हमारा कॉमन वायर, और यही होगी दोस्तों हमारा हाई स्पीड वायर, ठीक है। यानी इसके सबसे ज़्यादा स्पीड आएगी इसी वायर पे, कॉमन वायर पे इसको लगा देना है, 1 नंबर पे लगा देना है। अब किसी भी कलर का वायर इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कॉइल बनाना स्टार्ट किया था, फिर 250 टर्न पे ये वाला रेजिस्टेंस कॉइल का लूप निकला जिसमें मीडियम स्पीड होगी, हाँ इसमें हम 2 वायर एक साथ ज्वाइन कर देंगे। देखिए 2 वायर इसके ज्वाइन किया है क्योंकि इसको जब दोनों को एक साथ लेके आके रेगुलेटर स्विच में 2 और 3 में लगा देना है, ठीक है। काम एक ही करेगी, लो स्पीड होगी इसमें, दोनों में एक ही स्पीड होगी लो स्पीड। अब 2 वायर लगाने का मतलब ये है कि एक पिन खाली रह जाएगी तो क्या है, पंखा बंद हो जाएगी, इसलिए क्या करना है कि दोनों में ही लगा देना है, इसलिए ये यहाँ पे शॉर्टिंग कर दिया गया है।
ठीक है। इसमें थ्री स्पीड नहीं किया जा सकता क्योंकि थ्री स्पीड करेंगे क्योंकि ये 1880 RPM है ना, तो उसमें कॉयल जलने की खतरा रहेगी। इसमें टू स्पीड ही सिर्फ होगी, हाई स्पीड और लो स्पीड। उसके बाद देखिए इसकी ये इस कॉयल का स्टार्टिंग कॉयल का एक लीड डायरेक्ट जाएगी आपकी कैपेसिटर में, ठीक है, और रनिंग कॉयल का एक लीड जाएगी डायरेक्ट आपकी कैपेसिटर में। फिर वहाँ से एक वायर जाके जाएगी हमारा मेन लाइन सप्लाई इसमें आएगी, और ये रेगुलेटर में जो पॉइंट होती है कॉमन पॉइंट, उसमें एक न्यूट्रल सप्लाई हम दे देंगे। फिर हमारा ये जो पंखा वर्किंग करने लगेगी अच्छे से, इसमें एक होगी हाई स्पीड और दो और तीन होगी लो स्पीड, ठीक है। इस तरह का आप टू स्पीड कनेक्शन कर सकते हो, और ये सक्सेसफुल कनेक्शन है और कंपनी कनेक्शन है, और निश्चिंत रूप से इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हो। आप देखिए यहाँ पे हम इसको टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम सीरीज लैंप इसको टेस्ट करेंगे। यहाँ पे इसको पावर सप्लाई दिया हमने, यहाँ पे इसका रिवर्टर स्विच पे एक नंबर पॉइंट पे देंगे। एक नंबर पॉइंट जो होगी सबसे हाई स्पीड वाला पॉइंट होगी, और इसमें बल्ब थोड़ा सा ज़्यादा जलेगी, देख सकते हो एक नंबर पॉइंट पे चल रहा है पंखा हमारा, और बल्ब थोड़ा सा ज़्यादा ग्लो होगी इसमें हाई स्पीड पॉइंट में। जैसे लो स्पीड में देंगे आप तो इसकी जो बल्ब है थोड़ा सा धीमा होगी, ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा धीमा हो गया। अब दो या तीन में एक ही स्पीड रहेगी क्योंकि ये टू स्पीड है, सिर्फ एक नंबर पे हाई स्पीड और दो और तीन में एक ही स्पीड रहेगी लो स्पीड। देखिए बल्ब थोड़ा सा आपका धीमा हो जाएगी, मतलब ये लो स्पीड चल रहा है, ठीक है, और एक नंबर पे हाई स्पीड पे बल्ब थोड़ा सा ज़्यादा जलेगी। इसको हम थ्री स्पीड नहीं बनाएंगे क्योंकि थ्री स्पीड ये नहीं होगी, क्योंकि 1800 RPM की है ना। थ्री स्पीड करेंगे तो इसमें कॉयल जलने का खतरा रहता है, तो सिर्फ हाई स्पीड और लो स्पीड बेस्ट रहता है इस पंखा के लिए। अब इसको हमने मेन पावर सप्लाई दे दिया है 220 वोल्ट, देख सकते हो, और इसमें बहुत अच्छे स्पीड से घूम रहा है। इसका RPM जो है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि टू पोल में वाइंडिंग किया गया है, 1880 RPM के आसपास इसका जो RPM आती है बहुत ही ज़्यादा स्पीड पर घूमती है, और बहुत अच्छी इसमें हवा निकलती है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो देखने के बाद इस तरह का पंखा पर वाइंडिंग कर सकोगे, और कोई भी दिक्कत है प्रॉब्लम है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का ID जो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर फॉलो कर सकते हो और कमेंट भी करके पूछ सकते हो। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कर जरूर बताइए, और कोई नया नया वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।